ग्वालियर के सेवानगर किलागेट मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के लिए भारी विरोध, हंगामे और प्रदर्शन के बीच जिला प्रशासन ने जहां विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार करते हुए अतिक्रमणकारी दुकानों और मकानों को जेसीबी की मदद से ढहना शुरू किया, तो वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही कांग्रेस विधायक सतीश अग्रवाल भी तुरंत मौके पर पहुंचे और यहां प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर व्यापारियों को राहत देने के लिए बीच का रास्ता निकालने की मांग की, जिसके बाद जिला प्रशासन ने दो दिन के लिए व्यापारियों को मोहलत देते हुए किलागेट सेवानगर मार्ग पर तुड़ाई अभियान को रोक दिया है। प्रशासन का कहना है कि लोगों की मांग थी कि जेसीबी तुड़ाई से उन्हें अधिक नुकसान हो रहा है, इसलिए दो दिन सामान हटाने खुद अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी गई। तो वहीं कांग्रेसी विधायक सतीश अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों को बिना विस्थापित किए जबरन कार्रवाई को मंजूर नहीं किया जाएगा और कांग्रेस नेताओं की बात पर प्रशासन ने कार्रवाई रोकी है, अगर फिर जबरन कार्रवाई हुई तो कांग्रेस पार्टी फिर से आंदोलन करेगी। अरे लेबर हमारे पास सभी लेबर लगी है चलता रहिए जेसीबी हेलो, हमने कहा है कि अन्याय नहीं होगा। हेलो, अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अन्याय के खिलाफ हम जनता के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी, हमारे नेता सुनील शर्मा जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेता आज जनता के साथ खड़े हैं। अन्याय के खिलाफ, दमन के खिलाफ हम लड़ाई मरते दम तक लड़ेंगे और जनता के साथ हैं। अभी आपने एसडीएम साहब से बात करी क्या? हमने कहा है बंदूक नहीं चलाएंगे, बढ़ता पिल्लू बुलडोजर बंद करो। गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे, जो भी आंदोलन की भूमिका जो करेंगे उसमें अन्याय। दो दिन का समय मांगा था क्योंकि किसी का नुकसान नहीं हो, अपने हाथ से तोड़ लेंगे तो नुकसान कम होगा और 3D या मशीन से तोड़ने से नुकसान की ज़्यादा संभावना रहती है, इसलिए प्रशासन ने, हाँ विरोध तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ विरोध भी है, कुछ सहमत भी है, सब तरीके की प्रतिक्रिया है।